नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। बट आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग, दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड ट्रेनिंग पर्पस। मेरा मोटो ये नहीं है किसी भी मैन्युफैक्चरर को या किसी भी टेक्नीशियन को, किसी भी मैकेनिक को छोटा या बड़ा दिखाना। इस वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसका क्रेडिट तो मुझे नहीं चाहिए, बट अगर कुछ भी आपको लगे कि मैंने गलत दिखाया, गलत शो किया, मेरे वजह से कुछ खराब इम्पैक्ट आया, तो सारा का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगा, यही मैं चाहता हूँ। बाकी ये जो वीडियो है, वैसे बेसिकली DS6 मॉडल का जो गाड़ी है, डीजल स्पेशली, हर एक मैन्युफैक्चरर का एक प्रॉब्लम नहीं कहेंगे बट फीचर वाइज ऐसा हुआ है कि लोग DPF को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। स्पेशली जब फेस 1 DPF का प्रॉब्लम, मतलब जब डीजल का फेस 1 मॉडल था उसमें ये प्रॉब्लम DPF का बहुत ज़्यादा आता था, बट अभी फेस 2 जैसे लॉन्च हुआ तो DPF की ये प्रॉब्लम मोर देन 95% क्लियर हो गया। ये नहीं कहेंगे कि पूरा 100%, क्योंकि किसी भी चीज़ 100% नहीं होता है, बट जो प्रॉब्लम फेस 1 में कस्टमर फेस किया था वो प्रॉब्लम 95% यूरिया जब से आने लगा फेस 2 में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज बेसिकली वीडियो का जो मेन टॉपिक है, देखिए आप इससे पहले यूट्यूब में भी देखे होंगे कि DPF अगर रीजनरेशन करना है तो रीजनरेशन कैसे करना होता है, अगर रीजनरेशन फेल्ड हो रहा है तो उस केस में कैसे उसको क्लीनिंग किया जाता है, या रीजनरेशन सक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है। बट एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसपे आपको ये पता चले कि अल्टीमेटली DPF कौन सा सिचुएशन में इसको आपको क्लीनिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है या रीजनरेशन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है कि लोग बोल देते हैं कंपनी में जाने से ये पार्ट चेंज कर देते हैं, ये वो, मतलब होता है। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये शेयर करूँ कि आखिर कब कंपनी में ये पार्ट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि रीजनरेशन के लिए आया और हम DPF को चेंज कर दिया, या उसका क्लीनिंग होता बट फिर भी जानबूझ के DPF चेंज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा ही काम सेम होता है, क्लीनिंग का प्रोसेस भी है, बट स्पेशली एक केस है जिस कोट के कारण, एक कोड आ जाएगा उस कोट के कारण आपको DPF को कुछ करना नहीं है, क्योंकि फालतू में आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, काम करके छोड़ेंगे। लग सकता है कि 1-2 हफ्ता गाड़ी ठीक चलेगा, बट आफ्टर दैट कस्टमर फिर वापस आएगा सेम प्रॉब्लम लेके। तो आज वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि कौन सा ऐसा कोड है जो आने के बाद आपको DPF को चेंज करना ज़रूरी है, और साथ साथ कभी भी अगर DPF चेंज होता है, या फिर मान लीजिए रीजनरेशन से रिलेटेड बहुत आपने प्रॉब्लम फेस किया, 2-3 बार काम करा लिए, रीजनरेशन बार बार हो रहा है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि बस रीजनरेशन करके ही गाड़ी छोड़ दे। कुछ चेकिंग प्रोसेस है क्यों बार बार रीजनरेशन हो रहा है गाड़ी, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो ये सारा सब कुछ आज के वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है ये स्पेशली टेक्नीशियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आए, और जो कस्टमर अगर बाई चांस देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो देखे, ताकि आधा अधूरा नॉलेज हर बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और कोई भी मेरा अगर कोवर्कर कोई देख रहा है तो भाई रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी भी गाड़ी का काम करे ना, तो पहले उस गाड़ी का शॉप मैनुअल, मैन्युफैक्चरर कोई भी हो सब अपना शॉप मैनुअल देता है, तो प्लीज़ शॉप मैनुअल को पहले अच्छे से फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और वो ही सही है सब गाड़ी के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों मैंने इस गाड़ी में स्कैनर कनेक्ट किया, और क्योंकि चेक इंजन लैंप ऑन था तो स्कैनर में मुझे कोड शो कर रहा है P200300 पर्टिकुलेट फिल्टर एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड बैंक 2। इसका मतलब होता है DPF जो लगा हुआ है वो बर्न हो गया, जल गया है, ये रीजनरेशन अभी और सक्सेसफुली कर नहीं पाएगा। नॉर्मली अगर सिर्फ रीजनरेशन के लिए कोड आता तो उस केस में अबव लिमिट का कोड आता, डिफरेंशियल प्रेशर अबव लिमिट, उस केस में आपका रीजनरेशन हो जाएगा, या और भी 3-4 टाइप का कोड आता है उस केस में आपको रीजनरेशन करने से गाड़ी हो जाएगा, या फिर खोल के क्लीन करने से हो जाएगा। बट अगर ये वाला कोड आता है ना, तो इस कोड में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। अब ये रीजनरेशन मैं जो कह रहा हूँ, ये कुछ लोगों के लिए नया लगेगा, भाई एग्जैक्टली रीजनरेशन है क्या भला। तो इनको एक लाइन में अगर कहना चाहेंगे, देखिए BS6 जो मॉडल लॉन्च हुआ डीजल, उसमें DPF लगा हुआ रहता है, और
पेट्रोल है तो जीपीएफ अभी लगा हुआ रहता है। डीपीएफ का फुल फॉर्म होता है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, नाम से ही पता चलता है कि कोई फिल्टर है जो कि BS6 डीजल गाड़ी में अभी लगा हुआ है। काम क्या है? और ये फिल्टर जो है ये एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा हुआ रहता है। अब काम क्या है? BS4 गाड़ी और BS6 गाड़ी दोनों गाड़ी को एकदम आजू बाजू खड़ा करके अगर एक्सिलरेट करेंगे तो देखेंगे BS4 जो गाड़ी है उसमें जैसे ही आप थोड़ा एक्सिलरेट देते हैं मोर देन 3000 तो काला काला धुआं निकल के आता है जो कि कार्बन रहता है। बट BS6 का गाड़ी में आप जैसे जितना भी एक्सिलरेट करें तो देखेंगे कि काला धुआं बाहर नहीं आ रहा है, जबकि दोनों में ही डीजल गाड़ी है, दोनों में ही ये कार्बन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन BS4 में वो बाहर चला आता था, बट BS6 में वो काला धुआं आपका बाहर नहीं आएगा। उसमें एक फिल्टर है जो कि DPF ये कार्बन को ट्रैप कर लेगा। अब फिल्टर लगा हुआ है वो कार्बन को ट्रैप कर रहा है तो एक टाइम के बाद जाके तो फिल्टर चोक होगा। अब उसको क्लीन करना है। अब नॉर्मल इंसान अगर क्लीन करने के बारे में सोचेगा तो क्या करेगा, उसको खोल के क्लीन करो। बट इंजीनियर वाला दिमाग कुछ और कहता है कि भाई खोलना नहीं है, पहले इसको चलते गाड़ी में ही क्लीन करेंगे। तो इसके लिए रीजनरेशन, मतलब गाड़ी में रीजनरेशन इसीलिए होता है। अब रीजनरेशन का भी कुछ प्रोसेस है। पहले तो रीजनरेशन तीन तरह के भी होते हैं। एक तो होता है ऑटो रीजनरेशन, जिसमें गाड़ी अपने आप चलते गाड़ी में रीजनरेशन करता रहेगा अपना हिसाब से। जब उसको लगेगा कि हाँ अभी रीजनरेशन करने का टाइम है और प्रॉपर कंडीशन मीट कर रहा है तो गाड़ी चलते गाड़ी में आप चलाएंगे आपको महसूस नहीं होगा वो रीजनरेशन होगा। दूसरा होता है सेल्फ रीजनरेशन। सेल्फ रीजनरेशन में आप खड़े गाड़ी में अपना बटन है या फिर अगर चाबी है तो उसके स्विच के थ्रू वो रीजनरेशन कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो है फोर्स रीजनरेशन, जो सर्विस सेंटर में लेके जाके आपको स्कैनर के थ्रू करना पड़ता है। और तीनों के लिए अलग अलग चेक लैंप इंडिकेशन आता है। नॉर्मली जो ऑटो रीजनरेशन है उसमें आपको कुछ हर गाड़ी में दिखाई नहीं देगा बस, हाँ बट हाँ कुछ मॉडल ऐसा है स्पेसिफिक कुछ मैन्युफैक्चरर का, जब ऑटो रीजनरेशन भी होता है तो वो भी क्लस्टर में आपको मैसेज देके शो करता है फिल्टर कितना चोक हुआ है, वो रीजनरेशन के बाद कितना हो रहा है वो शो करता है कुछ मॉडल में स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का, बट सब में नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मैंने ऑटो रीजनरेशन के बारे में कह रहा हूँ, 0 से लेके 100 तक अगर आपका सूट वैल्यू है तो गाड़ी ऑटो रीजनरेशन कर लेगा चलते गाड़ी में। कंडीशन क्या है कि गाड़ी आपका एक मिनिमम RPM से ऊपर होना चाहिए, 2000 2500 से ऊपर होगा RPM, 3500 4000 तक, और गाड़ी चलना चाहिए 3500 4000 जो RPM मैं कह रहा हूँ, 2500 से 3500 इस RPM पे आपका गाड़ी का स्पीड एक रहना चाहिए तो उस कंडीशन में गाड़ी रिजनरेशन ले लेगा। लेकिन ऐसा भी देखा है कि आइडल कंडीशन में अगर गाड़ी खड़ा है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रीच कर गया तो तब भी गाड़ी ये ऑटो रिजनरेशन जो है ये ऑन कर देता है कभी कभी। सूट वैल्यू 0 से 100 तक ये गाड़ी अपने आप से करेगा, बट जैसे ही 100 के ऊपर चला जाएगा 150 तक तो क्लस्टर में भी मैसेज आपका ब्लिंक करता रहेगा। और तब आप चाहें तो बटन से स्टीयरिंग व्हील में जो बटन रहता है उससे इसकी रिजनरेशन कर सकते हैं। और बाई चांस आपने अगर इसको भी इग्नोर कर दिया और सूट वैल्यू 150 के ऊपर चला गया तो तब जाके आपको सर्विस सेंटर से फोर्स रिजनरेशन करना पड़ता है। और ये रीजनरेशन जो होता है एक्चुअली देखिए इंजेक्टर तो वही लगा हुआ है, दो तरह का वैसे मैंने बताया गाड़ी है। एक तो होता है आपका BS6 का फेस 1, एक होता है फेस 2, और दूसरा है कि कुछ मॉडल में आपका यूरिया इंजेक्टर अलग से फिटेड रहता है और कुछ मॉडल ऐसा है जिसमें आपका यूरिया इंजेक्टर नहीं रहता है। तो जिसमें यूरिया इंजेक्टर नहीं रहता है उसमें आपका ये जो रीजनरेशन है ये काम करता है जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है गाड़ी चलने के लिए। नॉर्मली 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। और कंप्रेशन वाला जो स्ट्रोक है, सक्शन नीचे आया जैसे कंप्रेशन हो रहा है उस टाइम डीजल इंजेक्ट होता है, ये नॉर्मल गाड़ी चलने के लिए। लेकिन जब रीजनरेशन की जरूरत होगा गाड़ी को तब क्या करेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में यानी कंप्रेशन में उसको एक बार इंजेक्ट किया, गाड़ी चलने के लिए पावर मिला, फिर जब अंदर का जो बार्न गैस है उसको बाहर निकालने के लिए इंजन से जो साइलेंसर से धुआं निकलता है, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है मतलब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इन द टाइम
फिर एक बार पोस्ट इंजेक्शन करता है ईसीयू इंजेक्टर के थ्रू, तब जाके वो जो इंजेक्ट किया हुआ डीजल है वो आके डीपीएफ जो है वो डीपीएफ में एग्जैक्ट जलता है, बर्न होता है। और डीपीएफ रीजनरेशन में एक्चुअली क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। नॉर्मल अगर एग्जॉस्ट गैस की टेम्परेचर 200-250 रहता है, तो जब डीपीएफ रीजनरेशन होगा तो इस गैस की टेम्परेचर 600 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो इसीलिए हर बार ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ऑटो रीजनरेशन चला दो, इसमें वैसा कुछ लॉजिक फिटेड रहता है। अच्छा, तो जैसे ही डीपीएफ का टेम्परेचर बढ़ा, पहले से उसने ऑलरेडी कार्बन को ट्रैप करके रखा, जो कार्बन अनबर्न फ्यूल का ही पार्ट था, डीपीएफ का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो जलने के साथ साथ क्या करेगा, जो कार्बन सूट मास इसमें ऑलरेडी है उसको भी जला के एकदम राख कर देगा। यही रीजनरेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब क्या फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप लेना है, वो आगे दिखा। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा वो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन अगर कंटिन्यूस मान लीजिए कि बार बार रीजनरेशन भी हो रहा है, तो तब उस केस में भी आपको ये सारा सब कुछ चेक कर लेना है कि बार बार रीजनरेशन क्यों हो रहा है। अब आगे का सारा जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। तो मैंने लगाया और सपोज चेक कर लिया कि मेरा गाड़ी में ये P200300 का कोड है, तो उस केस में आपको गाड़ी का जो DPF है उसको कंप्लीट चेंज करना होगा। और चेंज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप नया DPF लगा के गाड़ी छोड़ दिए, तो उस केस में आपका नया जो DPF आपने लगाया वो भी खराब हो सकता है, वो भी बर्न हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहीं और जगह पे हो सकता है, बट आपने सिर्फ जो वाला प्रॉब्लम इफेक्टेड पार्ट है उसको चेंज करके छोड़ दिया, तो कस्टमर का बार बार पैसा वेस्ट होगा। इस केस में जो चेकिंग प्रोसीड्योर है, जो स्टेप है, सबसे पहले आपको इंजन कंप्रेशन जो है वो चेक करना है। इंजन कंप्रेशन और DPF दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर इंजन खराब होगा तो DPF खराब होगा, अगर DPF खराब होगा तो इंजन खराब होगा। पूरा क्लियर करते हैं। इंजन के अंदर अगर प्रॉपर कम्बशन ना हो, मतलब इंजन का कंप्रेशन अगर वीक है, तो उस केस में क्या होगा, कम्बशन प्रॉपर नहीं होगा। और जैसे ही कम्बशन प्रॉपर नहीं होगा तो अनबर्न फ्यूल DPF में आके जलेगा, इससे DPF चोक होगा, डैमेज भी होगा। अनबर्न फ्यूल आके DPF में जलेगा कंटिन्यूअस, तो उस केस में क्या होगा, DPF बर्न हो जाएगा, बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, सूट पार्टिकल उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो जल्दी बर्न होगा। और उल्टा सोचिए, बाई चांस अगर DPF चोक है, इंजन सही है बट DPF किसी कारण से चोक हो गया, तो वो उस कंडीशन में अगर आप गाड़ी को लगातार खींचते जाएंगे तो DPF के वजह से आपका इंजन का परफॉर्मेंस इफेक्ट होकर कंप्रेशन को डाउन कर देगा। तो ये कोई भी केस में आपको दोनों को चेक कर लेना है। और जब भी कंप्रेशन टेस्ट करें, O2 सेंसर का जो कनेक्टर है उसको खोल के हमेशा चेक कीजिए, कनेक्टर नहीं O2 सेंसर को पूरा मैनिफोल्ड से बाहर निकाल दीजिए, तब चेक करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि DPF क्योंकि चोक है, इस कारण आपका जब कंप्रेशन आप टेस्ट कर रहे हैं गाड़ी का, तो कंप्रेशन प्रॉपर दिखा देगा बट एक्चुअल में वो कंप्रेशन उसमें है ही नहीं, क्योंकि बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कंप्रेशन शो कर देता है। तो हमेशा इस तरह की केस में जब भी चेक करें, O2 सेंसर को पूरा डिस्कनेक्ट करके तब जाके गाड़ी को आप कंप्रेशन टेस्ट कीजिए। अभी पहले जैसे कि मैंने बताया कि O2 सेंसर रिमूव करो, ढीला है। तो O2 सेंसर को रिमूव करके आपको कंप्रेशन चेक करना है, और कंप्रेशन चेक करने के लिए ऑलरेडी इंजेक्टर जो है खोल दिया। अब O2 सेंसर देखो एक बार, तेरी इसको पकड़ो अच्छे से पकड़ो। ये देखिए O2 सेंसर जो है पूरा एकदम कार्बन से लथपथ हो गया। ठीक है, इसको क्लीन करेंगे, रखो। अभी इसका कंप्रेशन टेस्ट करना है। अभी यहाँ पे जैसे देखिए DPF के अंदर कुछ कार्बन का बहुत बड़ा टीला जैसा कुछ, पत्थर जैसा कुछ ऑलरेडी गिरा है। क्या है ये? बाप रे, एक नहीं बहुत सारा है इसके अंदर।
अभी मैंने गाड़ी का कंप्रेशन के लिए चेक करने के लिए पूरा रेडी कर लिया। ओटू सेंसर खोल के मेरे हाथ में है। सेफ्टी वाल्व जो कनेक्शन रहता है डीजल लाइन की, उस पर मैंने सेफ्टी वाल्व कनेक्ट कर दिया। एक सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट करके दिखाता हूँ, बट हाँ कंप्रेशन गाड़ी के हिसाब से होता है। हर एक गाड़ी में अलग अलग, तुम क्रैंकिंग करो हर गाड़ी में अलग अलग होता है, तो ये आपको शॉप मैनुअल से पता चलेगा। ठीक है, इसका जो कंप्रेशन मेरे को दिखा रहा, ठीक है छोड़ दो। तो ये मैंने आपको एक गाड़ी में दिखा दिया कंप्रेशन टेस्ट करके। ऐसा आपको चारों जो सिलेंडर है, चारों सिलेंडर में ही चेक करना है कि कंप्रेशन प्रॉपर है या नहीं। अगर कंप्रेशन डाउन रहता है तो उस पर काम करना है। इसके बाद आपको गाड़ी की जो इंजेक्टर है, वो इंजेक्टर की स्पेशली बैकलीक चेक करना है कि बैकलीक ज़्यादा हो रहा या कम हो रहा। इसके साथ डीपीएफ का रिलेशन है, अगर बैकलीक बहुत ज़्यादा है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ, जो सारा लॉजिक मैं दे रहा हूँ ये अपना पर्सनल लॉजिक, पर चेक करना है। बैकलीक अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डीपीएफ बान हो रहा है। ये P200300 जो कोड है, इसका मतलब ये है कि डीपीएफ बान हो गया, जल गया। ये बार बार रिजनरेशन होने की कारण भी हो सकता है, या फिर इंजेक्टर अगर आपका बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रहा है तो तब क्या होगा, एक्सेसिव स्प्रे मतलब रिच मिक्सचर, और वो रिच मिक्सचर आके डीपीएफ को ही डैमेज करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं मतलब इसीलिए आपको इंजेक्टर बैकलीक चेक करना है, इंजेक्टर सही से काम कर रहा कि नहीं। जब भी आप इस तरह से कोई भी काम करें तो पहले इंजेक्टर की बैकलीक टेस्ट कर लेना है, ताकि बैकलीक टेस्ट होने के बाद कंप्रेशन चेक करने के लिए जब आप इंजेक्टर खोले तो एक प्रोसेस में काम होगा। नहीं तो क्या है, पहले अगर कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए इंजेक्टर को रिमूव करेंगे, फिर एक बार इंजेक्टर को फिटिंग करके फिर बैकलीक टेस्ट करने होगा। ये वीडियो लिंक का प्रॉपर करने के लिए मैंने आगे पीछे दिखा दिया, लेकिन याद रखना है जब काम होगा तो पहले बैकलीक टेस्ट करके फिर कंप्रेशन टेस्ट कीजिए। स्टार्ट करो। हाँ, 2 मिनट आइडल रखना। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं, मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी बैकलीक टेस्ट कर रहा हूँ, और ये डेल्फी इंजेक्टर है। तो इसमें आपको ध्यान में जो रखना है कि देखिए, पहले तो एक इस तरह का फ्लैक्स लगेगा चारों, और पाइपलाइन के थ्रू मैंने इंजेक्टर का, जहाँ से ये रिटर्न लाइन होता है वो रिटर्न लाइन से देखिए डीजल आना चालू हो गया, और इसी से चेक करना है कि इंजेक्टर प्रॉपर इंजेक्ट कर रहा है कि नहीं। इसमें आपको 2 मिनट तक, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट तक आइडल कंडीशन में रखना है, और उसके बाद 3 बार 3000 RPM उठा के बस छोड़ देना है। गाड़ी बंद करके ये सारा जो पाइपलाइन में रहेगा डीजल, उसको इस कंटेनर में लेके आना है, और देखना है कि ये जो कंटेनर है, देखिए इसमें भी मार्किंग किया हुआ है, तो ये किसी भी इंजेक्टर में 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नीचे एकदम 20, तो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा होता है तो तब आपको इंजेक्टर को चेकिंग करना है, मे बी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी मेरा 2 मिनट नहीं हुआ, 2 मिनट आइडल कंडीशन में रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी ये काम हो रहा है ये चेकिंग, तो डीजल कहीं से लीकेज ना हो जाए। अब 3000 RPM में उठाओ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, बंद करो बस। अब ये सारा जो पाइपलाइन में डीजल अभी भरा हुआ है, इसको हमको कंटेनर में लाना है। अब 1x1 खोल के कंटेनर में लाओ। ऐसे उठा के रखना है बस, कंटेनर में जमा हुआ है, इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर पहले रख देते हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे रखो, ऐसा रखो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, किसी में भी ये 20 mm को ही टच नहीं किया, 25 तो बहुत दूर की बात है।
तो मतलब मेरा इंजेक्टर का बैकलिक जो है ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आपको चेक करना है यूरिया इंजेक्टर। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही टाइप का गाड़ी आएगा। फेस वन में आपका यूरिया इंजेक्टर मोस्ट ऑफ द जो 2 लीटर के नीचे वाला गाड़ी था, तो मैन्युफैक्चरर वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल में वो यूरिया इंजेक्टर दिया है नहीं दिया है। तो यूरिया इंजेक्टर कुछ मॉडल में है कुछ मॉडल में नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की जो मॉडल आप चेक कर रहे हैं उसमें यूरिया इंजेक्टर है तो यूरिया इंजेक्टर को भी खोल के चेक करना है कि वो क्लॉक तो नहीं है, क्योंकि यूरिया इंजेक्टर ही अगर चोक रहेगा तो उस केस में भी आपका डीपीएफ जो है वो खड़ा होने की चांसेस रह जाता है। यूरिया इंजेक्टर को भी प्रॉपर चेक, ईजीआर स्टॉक अगर रहेगा तो उस केस में भी आपका गाड़ी का ये जो डीपीएफ है ये रिजेनरेशन कंटिन्यूअस लेता रहता है और बांध होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको चेक करना है कि ईजीआर स्टॉक तो नहीं है। इसके पीछे जो लॉजिक है, देखिए अल्टीमेटली ईजीआर काम करने का मतलब, अगर सपोज ओपन स्टॉक हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ईजीआर ओपन मतलब अनबर्न जो फ्यूल है और जिसमें ऑक्सीजन कम है वो एंटर कर रहा है आपका घुमा के फिर सिलेंडर में। तो अल्टीमेटली सिलेंडर में जो एयर इंटेक कर रहा है उसमें ऑक्सीजन कम है, बट इंजेक्शन जो हो रहा है इंजेक्शन ज्यादा हो रहा है, फिर घुमा फिरा के वही बात के इम्प्रॉपर कंबशन होने के कारण, रिच मिक्सचर होने के कारण जो डीपीएफ है उस पर इफेक्ट आएगा, डीपीएफ डैमेज होगा। तो आपको चेक करना है प्रॉपर ईजीआर काम कर रहा कि नहीं। अभी तक मैंने ईजीआर की बस छोटा सा पार्टी खोला और इसी में देख सकते हैं कि कितना कार्बन जमा हुआ है, पूरा एकदम भर भर के इसमें कार्बन जमा हुआ है। ये थ्रॉटल वाला पार्ट है, इसी में कार्बन देखिए पूरा एकदम जम गया। ये कंडीशन है इसका पूरा भाई। इसमें जब भी देखो डीपीएफ का काम होगा ना तो प्रॉपर काम तो यही होता है कि इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि इंटेक और एयर, इंटेक और एग्जॉस्ट ये दोनों क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ईजीआर का ये सारा पार्ट, इवन इंटेक मैनिफोल्ड भी खुला है और ये इसको तो ऑलरेडी देखे कि कार्बन से डिपॉजिट है। ये सब में भी देखिए हाल देखिए इसका जो मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड को भी देखिए इसका कंडीशन। टार्बो एक्चुएटर जो रहता है वो टार्बो एक्चुएटर को भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। कुछ मॉडल में तो ये फट से जैसे ऑन करेंगे तो खटक खटक करके ऑन हो जाता है, तो टार्बो एक्चुएटर भी अगर काम ना करे तो उस केस में भी आपका डीपीएफ में प्रॉब्लम होने की चांसेस है। स्टार्ट करो। टार्बो जो है, टार्बो की एक्चुएटर तो काम कर रहा है लेकिन टार्बो में बहुत ज्यादा ये ऑयल लीकेज है। एक्सेसिव ऑयल लीकेज अगर टर्बो से है और यही इंजन ऑयल जाके अल्टीमेटली आपका डीपीएफ में भी जा रहा है, तो ये भी एक रीजन रहता है जिसके चलते आपका गाड़ी में ये डीपीएफ खराब होने की चांसेस रह जाता है। नेक्स्ट आपको जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है और वो एग्जॉस्ट में टेम्परेचर और पीएम सेंसर दोनों को ही चेक करना है। टेम्परेचर सेंसर को ज़रूर चेक करना है, इसमें वैसे दो वायर रहता है। लॉजिक ये है कि सपोज टेम्परेचर सेंसर अगर आपका कम रीडिंग दिखा रहा है तो उस केस में जब रीजनरेशन होता है तो टेम्परेचर हाई करने के लिए वो बार बार फ्यूल इंजेक्शन को क्वांटिटी बढ़ाएगा, और सेंसर क्योंकि सपोज खराब है
तो वो बोलेगा नहीं टेम्परेचर अभी तक रीच नहीं हुआ, तो इंजेक्शन को और ज्यादा हाई करता रहेगा और एक टाइम के बाद जाके आपका अल्टीमेटली रीजनरेशन फेल्ड ही होगा। लेकिन ये जो बार बार रीजनरेशन करने की कोशिश कर रहा है ईसीएम ताकि सूट पार्टिकल का लोड कम हो जाए, इसमें बार बार रीजनरेशन होने के थ्रू भी आपका यह डीपीएफ खराब होगा क्योंकि टेम्परेचर सेंसर रॉन्ग रीडिंग दे रहा है। तो टेम्परेचर सेंसर को भी अच्छे से चेक कर लेना है, और स्पेशली मेरा एक ओपिनियन है सेंसर को वायरिंग रेजिस्टेंस सब कुछ चेक करने के बाद भी स्पेशली टेम्परेचर सेंसर को थोड़ा सा टान के भी वायर को देख लीजिए कि कहीं पे काट वट तो नहीं है। अभी टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग को इंस्पेक्शन करेंगे, अभी ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि टेम्परेचर सेंसर कौन सा है। ये जो दिख रहा है ये टेम्परेचर सेंसर है, बाकी मैं डीपीएफ जब नीचे उतारूंगा उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। ये ऊपर एक लगा हुआ है और नीचे भी एक टेम्परेचर सेंसर ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वायरिंग जो है, एक ये वायरिंग है और दूसरा एक ये इसकी कनेक्टर है, तो इस दोनों कनेक्टर में मुझे इसकी वायरिंग को इंस्पेक्ट करना है कि इसमें प्रॉपर वोल्टेज आ रहा कि नहीं। अगर एक सिग्नल मिलेगा और एक ग्राउंड मिलेगा दो पिन का कनेक्टर है, जैसे कि देख सकते हैं दो वायर लगा हुआ है, एक सिग्नल का और एक ग्राउंड का। तो पहले मुझे इसकी जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन के वोल्टेज देखना है, 4.90 नॉर्मल है। और सिग्नल लाइन जो है इसमें, सॉरी ये सिग्नल लाइन था, अभी ग्राउंड लाइन पे एक बार चेक कर लेना है कि ग्राउंड प्रॉपर आ रहा कि नहीं। मैंने ग्राउंड पे लगाया, साउंड आ रहा है। अब चाहे तो इसको एक बार तुम बैटरी का पॉजिटिव में इसको टच करो तो अब दिखा वहां पे, ठीक है। तो सिग्नल ग्राउंड लाइन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ग्राउंड और सिग्नल इसकी ओके। ये मैंने एक चेक कर लिया और दूसरा जो है इसका पिन का मुंह थोड़ा छोटा है, तो ये एक बार ध्यान से आपको सिग्नल लाइन ओके है, ग्राउंड लाइन को सेम वैसा ही, या तो आप इसकी ओके कंटिन्यूटी आ रहा है। तो मेरा ग्राउंड लाइन और सिग्नल लाइन दोनों जो टेम्परेचर सेंसर था वो चेक हो गया। यहाँ पे और एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें दो टेम्परेचर सेंसर है, बहुत सारा गाड़ी है जिसमें चार टेम्परेचर सेंसर होगा, चेकिंग प्रोसीड्योर सबका सेम ही होगा। आपको बस चेक कर लेना है कि हाँ जो सिग्नल लाइन है उसमें ये वोल्टेज आ रहा कि नहीं। 4.9 5 वोल्ट मैक्सिमम रहता है, बट उससे बिलो ही होता है। और जो सिग्नल ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन में नॉर्मली चेसिस ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, और कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टेम्परेचर सेंसर का चेकिंग। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ये मिलता है कई बार गाड़ी में, बार बार रीजनरेशन आ रहा है, मतलब कोड आ रहा है डीपीएफ का, रीजनरेशन करके छोड़ देते हैं, एक दो दिन बाद फिर रिटर्न आ जाता है, कोई देखता ही नहीं एग्जैक्टली। कई बार ना छोटा मोटा टक्कर से नीचे से छोटा सा होल बन गया, टर्बो इंटरकूलर का जो लाइन है उसमें छोटा सा छेद बन गया, और जिसके कारण आपका गाड़ी में ये प्रॉब्लम बार बार होगा। अगर एयर इनटेक लाइन में कहीं पर भी छोटा मोटा आपको डैमेज मिले जहां से एयर लीकेज हो रहा है, तो उसको अच्छा से इंस्पेक्ट करना है ताकि वो ना हो। अगर वैसा लीकेज होता रहेगा एयर इनटेक लाइन से, तो तब आपकी गाड़ी की ये जो डीपीएफ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट आता है, और बहुत जल्दी आता है ये इफेक्ट, तो इस पे भी ध्यान रखना है आप। अब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की सबसे लास्ट में लगा हुआ रहता है पीएम सेंसर, और इसमें तो कैन लाइन भी आपको दिखेगा, और जहां पर भी कैन रहता है तो मान लीजिए कि वो सेंसर जो है वो मल्टीपल काम करता है। वैसे पीएम पर्टिकुलेट मैटर स्पेशली देखता है, तो इसमें अगर पीएम सेंसर का इंफॉर्मेशन ऐसा रहेगा कि नहीं मेरा अभी
जो पार्टिकुलेट मैटर जो निकल रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है साइलेंसर से, वो गैस बहुत ज़्यादा कार्बन है, तब भी प्रॉब्लम है। इसी हम तब भी रीजनरेशन को अपने हिसाब से करेगा, और बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा सूट लोड उसमें है लेकिन फिर भी ये दिखा रहा है कि नहीं भाई एकदम जो हवा निकल रहा, हवा बिल्कुल क्लियर है, तो तब भी गाड़ी में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप पीएम सेंसर की हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो कनेक्शन है, उसको फिजिकली इवन खोल के पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पीएम सेंसर डीपीएफ की केस में सबसे मतलब बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अभी हम लोग पीएम सेंसर चेक करेंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर एग्जॉस्ट में कितना पार्टिकुलेट मैटर है वही सेंस करता है। और ये ऐसे आके देखिए मॉड्यूल जैसा नीचे लगा हुआ है, इसको खोलो, ऑलरेडी खुला हुआ ही है इसका कनेक्टर। हर एक पॉइंट में विजुअल इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। कनेक्टर खोलो, कहीं पे कुछ डैमेज वैमेज तो नहीं है? आई थिंक अभी ये जो लोग देखेगा वो थोड़ा समझ जाएगा। एक पावर और एक ग्राउंड, तो मैं डायरेक्ट मल्टीमीटर को लेके दोनों पिन में चेक करूंगा कि मेरा वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा कि नहीं। इग्निशन ऑन होना ज़रूरी है, इग्निशन ऑन कंडीशन में। देखिए वोल्टेज प्रॉपर 12 वोल्टेज दिखा रहा है, तो मतलब पावर और ग्राउंड एक ही साथ चेक हो रहा है कि सही है। ठीक है, तो अभी पावर ग्राउंड सही है, अभी कैन हाई और कैन लो चेक करना बाकी है। ये मैंने कैन हाई पे एक पॉइंट लगाया, और दूसरा चेसिस ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं। 3.14 ये कैन हाई है जो कि सही है, और अभी कैन लो 1.4। तो कैन हाई कैन लो पावर ग्राउंड ये लाइन चेक करना है जो कि मेरा सही है, मिला है। अब सब कुछ आपने फाइनली अगर चेक कर लिया, और चेक करने के बाद आपका और एक चीज़ जो बाकी रह जाता है वो है कि फ्यूल क्वालिटी। कई बार ऐसा होता है नॉकिंग वॉकिंग की केस में ना सब चेक हो गया लेकिन कोई फ्यूल पे ही ध्यान नहीं दिया और तेल निकला एकदम सरा हुआ। तो इस तरह की केस में आपको हमेशा फ्यूल क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान देना है, और डीजल फिल्टर जो है उसको भी पॉसिबल है तो सर्विस में एटलीस्ट टाइम टू टाइम चेंज करवा दीजिए। फाइनली जो आते हैं डीपीएफ हनीकॉम, वैसे तो पहले एक बार चेक कर लेना ही है कोड आने के बाद, बाद में और एक बार कंफर्म कर लेना है कि डीपीएफ का जो कंडीशन है वो कैसा है, कितना बांध हुआ है नहीं है। गाड़ी की साइलेंसर खोलने के बाद अगर हनीकॉम में आपको इस तरह से बांध मार्क्स दिखे तो आपको समझना है कि इसमें डीपीएफ बांध हुआ है। पहले कोड आएगा P200300 और साथ में अगर इस तरह का निशान आपको दिखता है तो कंफर्म हो जाइए डीपीएफ बांध हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं ये बांध मार्क्स पूरा तो नहीं है लेकिन जगह जगह पे ये दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा जगह पे नहीं, पर्टिकुलर किसी एक जगह पे इस तरह का ये बांध मार्क्स हुआ है, तो तब भी आपको समझना है कि डीपीएफ आपका गाड़ी में, ये जो आप देख रहे हैं आपका गाड़ी, मतलब ऐसा हो सकता है भाई कोई टेक्नीशियन देख रहा, तो आप जिस गाड़ी में काम कर रहे हैं उस गाड़ी में ये डीपीएफ बांध हो गया है, और तब आपको डीपीएफ क्लीन करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप जितना भी मर्जी इसमें क्लीनिंग कर ले। इसको छोड़ के मैं और भी कुछ आपको, ताकि आपकी हेल्प हो इसलिए और भी कुछ फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें डीपीएफ बांध होने से कैसा दिखता है वो आप देखिए। अब ऑलमोस्ट सारा जितना पॉइंट था, चेक पॉइंट था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन मोस्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट ये लास्ट वाला पॉइंट है। सब कुछ आपने चेक कर लिया लेकिन फाइनली आपने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो सारा जो काम है वो बेकार हो जाएगा। कस्टमर के साथ ज़रूर गाड़ी का जो ड्राइविंग पैटर्न है उसको लेके बात कीजिए। सब कुछ ठीक रहने के बाद भी अगर ड्राइविंग पैटर्न में प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम बोले तो अगर गाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा है, 5 किलोमीटर यहाँ से गया स्टॉप हो गया, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर गया ऑफ हो गया, गाड़ी जैम रोड में बहुत ज़्यादा चलता है, गाड़ी लॉन्ग में चलता ही नहीं है, अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन है गाड़ी के साथ, तो तब अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है ये रिपीटेड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रीजनरेशन का ऐसा नहीं है कि आपका ये 200-300 वाला कोड चलाएगा, बट कंटिन्यूस रीजनरेशन वाला जो प्रॉब्लम है ना
ये शॉर्ट डिस्टेंस में चलने से बहुत ज़्यादा होता रहता है। इंजन ऑयल क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना है। इंजन ऑयल क्वालिटी के साथ साथ इंजन ऑयल की जो डिपस्टिक है उसको चेक करिए कि लेवल से ज़्यादा बहुत तो नहीं हो गया, तो उस केस में भी प्रॉब्लम होगा। बार बार रीजनरेशन हो रहा है तो ये गाड़ी में बहुत कुछ इफेक्ट करने की चांसेस है। तो मैंने ये कंप्लीट जो वीडियो है ये मैंने इसलिए बनाया ताकि किसी के पास भी अगर आए रीजनरेशन कंटिन्यूअस या फिर पी 200-300 कोड, तो उस केस में आपको ये सारा पॉइंट को अच्छा से चेक कर लेना है ताकि गाड़ी एटलीस्ट हम लोगों के कारण, हम लोगों की गलती के कारण फिर रिपीट ना हो जाए। बस दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा ही है, बट फिर भी उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है ये आपकी डायग्नोसिस में, और आप अगर कोई कस्टमर है तो आपका एटलीस्ट एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन में काम में आए। और हाँ, अगर डीजल गाड़ी यूज़ करते हैं तो सर रिक्वेस्ट है कि आप एक बार गाड़ी को कम से कम लॉन्ग में चला लीजिए तो ये आपकी गाड़ी के लिए ही अच्छा है। बट VS6 जो फेस टू मॉडल है, ये मेरे बहुत सारे जान पहचान अपना दोस्त वोस्त के पास भी लिया है, तो उनके पास अभी तक मैंने रीजनरेशन वाला प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है, वैसे तो काम कर ही रहा हूँ, ये प्रॉब्लम 95% सॉल्व हो गया, बट जब भी कुछ भी डिसीजन ले अपना रिसर्च उसके ऊपर बेस करके ही ले। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।